Hello students, so today we will discuss how to factorize the polynomials with the help of algebraic identities. हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि polynomials का factorize जो करेंगे algebraic identities के help से हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। सबसे पहले ये चीज़ आप समझ लें, व्हाट इज द factorize, factorize क्या होता है उस चीज़ को समझ लें। factorize का मतलब क्या होता है यहाँ पे, और इसकी factorize का बहुत सारा प्रोसेस होता है, ठीक है? सब फैक्टराइज का बहुत सारा प्रोसेस होता है, मीन्स फैक्टराइज बाई मिडिल टर्म, फैक्टराइज बाई फैक्टर, फैक्ट बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम्स, फैक्टराइज बाई यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी, बाई ग्रुपिंग मेथड। तो सो मेनी मेथड्स है आपके फैक्टराइज का, तो हम वहाँ से एक हम सिलेक्शन कर लेते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के हेल्प से, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज का मतलब होता है अगर कोई पॉलीनोमियल्स को, ठीक है, एक पॉलीनोमियल दिया हुआ है, अगर उस पॉलीनोमियल को दो पार्ट में डिवाइड कर दें और दो पार्ट में डिवाइड कर दें और उसकी जो डिग्री होगा उससे लेस होना चाहिए, ठीक है? सपोज यहाँ पे मींस एक पॉलीनोमियल यहाँ पे पी एक्स है, ठीक है? अगर इसको हम लोग क्या किए, दो या दो से अधिक आपको मान लेते हैं क्यू एक्स और जी एक्स में, इसको हम लोग क्या कर दिए, इसको स्प्लिट कर दिए, ठीक है? और दो पॉलीनोमियल्स में इसकी जो डिग्री है क्या होगा, इसकी जो डिग्री है, डिग्री ऑफ क्यू दोनों का जो डिग्री होगा जी एक्स एंड क्यू एक्स, डिग्री ऑफ जी एक्स एंड क्यू एक्स ऑलवेज लेस देन पी एक्स, पी एक्स से हमेशा कम होना चाहिए, तो हम लोग उसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है? जैसे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बोलते हैं जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन, अगर इसको हम लोग लिखते हैं तो वन इंटू क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये तो लिख सकते हैं क्योंकि ये पॉलीनोमियल, ये कौन सा पॉलीनोमियल है, कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल है, और ये भी आपका कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन क्या दे रही है, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता ड्यू टू कुछ रीज़न है इसका, क्योंकि इसकी जो डिग्री है, इसकी डिग्री कितना आपका टू है, और आपको बोला गया है कि इसकी जो डिग्री होगा हमेशा दो से दोनों की डिग्री कम होना चाहिए, तभी फैक्टराइज होता है, तब उस तरह करके फैक्टराइज नहीं बनेगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, देख लें यहाँ पे दो पॉलीनोमियल में इसको डिस्प्लिट कर दिए, और इसकी डिग्री क्या है आपका वन है, इसकी डिग्री भी क्या है आपका वन है, और यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है टू, तो ये इसी को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, ठीक है? फैक्टराइज का मतलब यही चीज़ होता है, ठीक है? और जो भी फैक्टराइज निकलता है, जो फैक्टर निकलता है वो पूरी पॉलीनोमियल को डिवाइड करता है, ठीक है, कम्प्लीटली डिवाइड करता है जो भी फैक्टर निकलेगा। जैसे एक्स माइनस वन फैक्टर निकलेगा तो अगर यहाँ पे एक्स प्लस वन से अगर डिवाइड करें किसको, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है? इसे साथ ध्यान देंगे, आपको पता होगा फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम भी यही है, जो भी फैक्टर होता है फैक्टर से हम लोग डिवाइड करते हैं पॉलीनोमियल्स को, तो वहाँ से भी क्या आता है इसकी डिग्री क्या होना, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सो नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कुछ फैक्टराइज का हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के हेल्प से। सबसे पहले हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी सीख लेते हैं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सा है आपका। जैसे पहला अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको यहाँ पे ये है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस क्या है आपका बी स्क्वायर, ठीक है, ये आइडेंटिटीज है। अगला आपका ए माइनस बी का होल क्यूब है आपका, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस क्या होगा आपका बी स्क्वायर होगा। और नेक्स्ट जो है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये फैक्टराइज में आपका क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। नेक्स्ट फैक्टराइज है आपका एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है, तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होगा, ठीक, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका फैक्टराइज में आ जाएगा आपका ए प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ से आपका क्या होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी होगा। और नेक्स्ट हम लोग के पास है ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू होगा आपका ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस क्या होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या होगा आपका बी स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू कुछ है, तो यहाँ पे आपका होगा ए माइनस बी और ये आपका क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होगा आपका बी स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग के पास जो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से इसका बहुत सारा फॉर्मूला इसका आता है यहाँ पे प्लस माइनस करके, तो वहाँ पे इसको समझ लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। नेक्स्ट फार्मूला जो है सब वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, उस फार्मूला को आप देखें सबसे पहले इस फार्मूला को। ओके, तो यहाँ पे जो फार्मूला होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका एक्स क्यू, सॉरी यहाँ पे जो फार्मूला है आपका ए क्यू प्लस क्या है आपका बी क्यू प्लस क्या है सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, ठीक है, ये है आपका। तो यहाँ से इसकी जो फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी होगा और ए स्क्वायर प्लस बट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी
माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है, ये आपकी फॉर्मूला है आपका। अगर यहाँ पे आप समझें कि अगर यहाँ पे इस कंडीशन में एक स्पेशल केस बता रहे हैं आपको, केस नंबर वन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, अगर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा आपका, देखें यहाँ पे जीरो पुट हो जाएगा और जीरो से मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस थ्री सी सी क्यू माई इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, तो ए क्यू प्लस क्या होगा, बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या होगा आपका, थ्री ए बी सी होगा, ठीक है, तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ये चीज़ को आप ध्यान देंगे, तो ये पार्ट आपका थोड़ा सा ध्यान देखना पड़ेगा, ये सारा हमें आइडेंटिटीज आपको बताएं, ये सारी इसी आइडेंटिटीज का यूज़ होगा आपको फैक्टराइज के लिए। अगर आपको फैक्टराइज अगर करना है, अगर आपको यहाँ से दो तरह से चीज आता है, कभी आपको एक्सपेंड करने बोलेगा, कभी आपको फैक्टराइज करने बोलेगा, तो आपको दोनों जो है एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस, एक्सपेंड करेंगे तो आप उसको फैक्टराइज, जैसे हम एग्जांपल देते हैं इसका, जैसा एक्सपेंड और फैक्टराइज क्या होता है आपको वो हम सिखा देते हैं यहाँ पे। कभी कभी क्वेश्चन आपको एक्सपेंड करके देता है, कभी आपको फैक्टराइज करने के लिए देता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा इसमें ध्यान देंगे, सारा फॉर्मूला सबको दिमाग में रखना पड़ेगा, इसी फॉर्मूलाज को फिर हम जनरलाइज करके इसका कुछ और फॉर्मूला बताएंगे। जैसे हम क्वेश्चन देते हैं, जैसे सपोज ये है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आपको बोल देगा कि आपको एक्स इसको फैक्टराइज कीजिए, कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको देख लें, आपको इस फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका टू एक्स वाई होगा, सॉरी यहाँ पे टू एक्स वाई है, ठीक है, टू एक्स वाई है यहाँ पे, टू एक्स वाई प्लस क्या आपका वाई स्क्वायर, तो यहाँ से फॉर्मूला में आ गया आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका मतलब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये इसकी फैक्टराइज हो गया। अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि बताइए एक्स प्लस वाई को एक्सपेंड कीजिए, ठीक है, इसको क्या कीजिए एक्सपेंड कीजिए, तो आपको फॉर्मूला में तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, तो ये इसका ये चीज़ को आपको याद रखना है, कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे, कैसे इसको लोग फैक्टराइज करेंगे, यहाँ से ये जितने भी कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे इसकी यूजेस होगा इस कॉन्सेप्ट का, ठीक है, एक्सपेंड और फैक्टराइज करने का, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में आपकी ये सब चीज़ आपको आना चाहिए, ये सब, ठीक है, यहाँ से थोड़ा देखते हैं इसकी आगे कुछ इसकी पार्ट इसका, ये तो आपका एक्सपेंड और फैक्टराइज के कॉन्सेप्ट था आपका। ओके, जैसे हम एक कोई क्वेश्चन आपको डिस्कस कर देते हैं, एक क्वेश्चन आपको हम एक्सपेंड करवा लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले एक क्वेश्चन देख लें यहाँ पे, ठीक है, आपको ये सारा क्वेश्चन एक्सपेंड करना पड़ेगा आपको, हम एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे डाल देते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, फिर हम लोग के पास है 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, फिर आपका 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y, फिर आपका एक्स प्लस 3y और x प्लस 2y, नेक्स्ट है आपका 2x प्लस 3y का होल क्यूब, अगला है 2x माइनस 3y का होल क्यूब, अगला है आपका 2x, ये लिख देते हैं हम लोग 8x क्यूब प्लस क्या है 27y क्यूब, फिर हम लोग इसको लिख देते हैं 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, फिर हम लोग इसको लिख देते हैं, नेक्स्ट है हम लोग के पास 2x प्लस 3y प्लस फोर जेड का होल स्क्वायर, नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे लिख लेते हैं और एक यहाँ पे ये लिख लेते हैं हम लोग 8x क्यूब, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, 27y क्यूब और 27y क्यूब प्लस क्या है जेड क्यूब माइनस माइनस 3 × 3 = 9 = 18xyz, ठीक है, ये चीज़ थी। तो ये क्वेश्चन हम सारा टाइप्स का क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आप क्वेश्चन को देखें इसको कैसे हम लोग इसको क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहले इस उसी क्वेश्चन को हम आपको डिस्कस करते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन का। तो सबसे पहले लास्ट वाले क्वेश्चन क्या है आपका, किस फॉर्म में देखें आपका 8x क्यूब प्लस क्या है 27y क्यूब, 27y क्यूब प्लस क्या है आपका जेड क्यूब माइनस 18xyz, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो 8x क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं क्या 2x क्यूब प्लस क्या होगा 3y का क्यूब प्लस क्या होगा z क्यूब माइनस 3abc 2 × 3 × ये आपका हो जाएगा z। तो ये आपका ये कौन सा फॉर्मूला आप समझ सकते हैं यहाँ पे, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका कौन सा
ए क्यू प्लस क्या होगा, बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी। सबको फॉर्मूला याद होगा आपको, अभी थोड़ा दम कराएंगे। ए प्लस बी प्लस सी होगा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी सी माइनस सी। ठीक है, ये होगा ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना देख लें यहाँ पे, टू एक्स प्लस क्या है, थ्री वाई प्लस क्या है, जेड। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे समझ लें, ए इक्वल टू टू एक्स है, बी इक्वल टू थ्री वाई है, और सी इक्वल टू क्या आपका जेड है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब होगा टू का स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर थ्री का स्क्वायर नाइन वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर जेड स्क्वायर, माइनस ए बी टू थ्री जेड सिक्स, तो क्या होगा आपका सिक्स एक्स वाई, माइनस बी सी तो क्या होगा थ्री वाई जेड, और माइनस सी ए तो यहाँ पे होगा टू एक्स जेड। ठीक है, टू एक्स जेड। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन का। आपको ये देखिए आप इस तरह का क्वेश्चन का, जैसे आपका नेक्स्ट आपका दिया हुआ है एट एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब, तो इसको ऐसा लिख चेंज लिख लेंगे यहाँ पे, टू एक्स का क्यूब माइनस थ्री वाई पर क्यूब, और यहाँ से फॉर्मूला में क्या आ जाएगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आपको पता होगा ए माइनस बी, और ये क्या आपका ए स्क्वायर प्लस क्या होगा ए बी प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। यहाँ पे ए का वैल्यू टू एक्स दिया हुआ है, बी का वैल्यू आपका थ्री वाई दिया हुआ है, यहाँ से पुट कर लें आप, टू एक्स माइनस क्या होगा थ्री वाई, और ये क्या होगा टू एक्स का स्क्वायर मीन्स फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू थ्री सिक्स वाई होगा, फिर क्या होगा नाइन वाई स्क्वायर। तो सिमिलरली ये सारा क्वेश्चन आप इसको बना लेंगे, ऐसे ही बनेगा आपको, जैसे आपको सारा फॉर्मूला ही दीजिए आपका, तो इसलिए कई तरह का क्या फॉर्मूला उसमें बना लेंगे कुछ क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे डाले हुए हैं। यहाँ पे इसी तरह के कुछ क्वेश्चन और आपको देते, जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें इसी पर्पज से ही करें, ताकि आपका जो है सारा फॉर्मूला से एक साथ में सारा आपका हो जाए। ठीक है, इसी पर्पज से आप करें इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन इसका डाल देते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे एक ले लेते हैं एक्स प्लस टू वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अगला है एक्स माइनस टू वाई का होल स्क्वायर, अगला है एक्स प्लस टू वाई इंटू एक्स माइनस टू वाई, अगला है आपका, अगला जो है क्या है एक्स प्लस थ्री वाई इंटू एक्स प्लस क्या है टेन वाई, अगला है आपका एक्स प्लस टू वाई का होल क्यूब, अगला है आपका एक्स माइनस टू वाई का होल क्यूब, अगला है आपका एक्स क्यूब माइनस एट वाई क्यूब, अगला है एक्स वाई एक्स क्यूब प्लस एट वाई क्यूब, अगला है आपका एक्स एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका एक्स क्यूब प्लस एट वाई क्यूब प्लस क्या ट्वेंटी प्लस जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री टू जेड सिक्स सिक्स एक्स वाई जेड। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप डिस्क बना लेंगे, ताकि आपका एक्सपेंड वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे इसमें।